हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वर्कआउट सेशन। इस बार हम लगा रहे हैं शोल्डर्स एंड आर्म्स। तो बात क्या है करने वाली कि अपनी एक्सरसाइजेज आइसोलेशन से शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या ये बेनिफिशियल होता भी है कि नहीं होता। आइसोलेशन एक्सरसाइजेज कौन सी हैं जो आपके एक सिंगल टारगेटेड मसल जॉइंट को हिट करती है या एक्टिवेट करती है। कंपाउंड मूवमेंट्स में, जैसा कि आपको पता है, जो बड़ी मूवमेंट्स हैं जैसे बेंच प्रेस, ओवरहेड प्रेस, पुलअप्स वगैरह, ये आपके मल्टीपल मसल्स को ट्रेन करती हैं। अगर शोल्डर्स की बात कर लें, ओवरहेड प्रेस या डंबल प्रेस की बात कर लें, तो नॉर्मली आपके शोल्डर्स और ट्राइसेप्स पे उनका ज़ोर आता है। अगर आप स्टैंडिंग लगा रहे हैं तो आपकी कोर, आपकी ग्लूट्स भी इंगेज होती हैं। आइसोलेशन एक्सरसाइजेज हैं जैसे ये फेस पुल्स हैं, ये बिल्कुल टारगेट करती हैं आपके रियर डेल्ट्स को, डिपेंडिंग ऑन योर ग्रिप। तो जो मैं फ़िलहाल ग्रिप यूज़ कर रहा हूँ, ये मैंने फिल हीथ की एक वीडियो देखी थी। फिल हीथ है 7-टाइम मिस्टर ओलंपिया, तो उसने कहा था मैं हमेशा अपनी शोल्डर की एक्सरसाइजेज जो है वो फेस पुल से शुरू करता हूँ, क्योंकि रेयर डेल्ट्स हम अक्सर आगे जाके मिस कर देते हैं और निगलेक्टेड मसल है। तो क्या होता है, जब आपके रेयर डेल्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप कोई प्रेसिंग मूवमेंट वगैरह लगा लिया करें, क्योंकि जब आप प्रेसिंग मूवमेंट्स वगैरह लगाएंगे तो आपके रेयर डेल्ट्स उस वक्त एक्टिवेटेड होंगे। और जो दूसरी बात उसने बताई थी, उसने कहा था कि पूरे हाथ का ग्रिप बना के आपने पुल नहीं करना, आपने जो टू फिंगर्स हैं, अपना मिडिल फिंगर और जो आपका इंडेक्स फिंगर है, इससे ग्रिप बना के आपने पुल करना है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया, तो बाकी पूरे का पूरा ज़ोर मेरे रेयर डेल्ट पे आ रहा था और मेरे रेयर डेल्ट ही एक्टिवेट हो रहे थे इससे। तो ये मैंने पहली एक्सरसाइज लगाई, इसके मैंने 3 सेट्स लगाए, कम वेट से शुरू किया, फिर हैवी करता गया अपना वेट, और अपने रेयर डेल्ट को एक्टिवेट करने के बाद मैंने केबल्स पे ही साइड रेजेस लगाए। साइड रेजेस तो बहुत ही कमाल एक्सरसाइज है, और मेरे ख्याल से हर शोल्डर वर्कआउट में साइड रेजेस की एक ना एक वेरिएशन होनी चाहिए। इस वर्कआउट में मैंने साइड रेजेस की वेरिएशन जो की है वो केबल्स पे की है। यूनिलैटरल, एक तो ये फ़ायदा है कि यूनिलैटरल का अगर आपके मसल इम्बैलेंसेज हैं या स्ट्रेंथ का इम्बैलेंस है आपके एक मसल में और दूसरे मसल में, तो यूनिलैटरल एक्सरसाइजेज उससे बहुत अच्छे से कवर कर देती हैं। इस पर पहले भी मैंने डिफरेंट वीडियोस में बात की हुई है, और यही एक अच्छा तरीका होता है। चाहे आप जिस एक्सपर्ट की भी वीडियो इस पर देख लें, वो कहेंगे कि मसल इम्बैलेंस को कवर करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप यूनिलैटरल मूवमेंट्स लगाएं और जो अपना वीक आर्म है उससे शुरू किया करें। तो अगर मेरा लेफ़्ट आर्म वीक है तो मैं लेफ़्ट से शुरू करता हूँ, उससे जितने रेप्स लगते हैं लगाता हूँ, और फिर राइट से लगाता हूँ, और अगर पॉसिबल हो तो वापस अपने वीक आर्म पे जाके 2-3 एक्स्ट्रा रेप्स लगा लें। इससे क्या होता है कि आपका जो मसल इम्बैलेंसेस हैं वो अच्छी तरह कवर हो जाते हैं। तो केबल साइड रेजेस, इस पर आपको ख़ुद भी अंदाज़ा होगा कि वेट पुल करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज जो आपके मीडियल या आपके लैटरल हेड को बहुत अच्छे से टारगेट करती है शोल्डर के। अगर आपको एक कमाल सिमेट्री चाहिए शोल्डर्स की और एक बहुत अच्छा आपको वो शोल्डर का कट चाहिए, तो उसके लिए लैटरल रेजेस से बेहतर एक्सरसाइज शायद ही कोई हो। अगेन अनदर आइसोलेशन एक्सरसाइज, पहले मैंने अपने रेयर डेल्ट को टारगेट किया और अब मैं अपने मीडियल और माय लैटरल हेड ऑफ द शोल्डर उसको टारगेट करूँगा। इसके सिर्फ मैंने 2 सेट किए क्योंकि मेरे शोल्डर्स बिल्कुल फटीग हो गए थे, आइसोलेट हो चुके हुए थे, एक्टिवेट हो चुके थे। फिर मैंने टूवर्ड्स द एंड ऑफ माय शोल्डर एक्सरसाइजेज मैंने डंबल प्रेसेस लगाए। तो इतना वॉल्यूम काफ़ी होता है मेरे लिए एक वर्कआउट सेशन में, 7 से 8 या 9 सेट्स काफ़ी होते हैं मेरे लिए। प्रेसिंग मूवमेंट्स
एक और अच्छी बात यह है कि जब आप आइसोलेशन से शुरू करते हैं तो आइसोलेशंस पे बहुत हैवी वेट लगाना अक्सर मुनासिब नहीं होता या नहीं लगता, जो भी खैर, लेकिन मकसद ये होता है कि उसमें आपका सिंगल जॉइंट ट्रेन हो रहा होता है, मल्टीपल जॉइंट्स। जाहिर है अब आप लैटरल रेजेस पे या फेस पुल्स पे उतना वेट नहीं लगाएंगे नॉर्मली जितना आप बेंच प्रेस या ओवरहेड प्रेस या डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइजेस पे लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट्स में आपके मल्टीपल मसल्स का अमल दखल होता है। तो जब आइसोलेशंस लगाने के बाद आप जाएंगे किसी कंपाउंड मूवमेंट या प्रेसिंग मूवमेंट के बाद, जैसे मैंने अपना फेस पुल्स लगाए हैं और मैंने अपने केबल साइड रेजेस लगाए हैं, तो इसके बाद जब मैं सीटेड डंबल प्रेस लगाऊंगा तो मैं बहुत हैवी वेट नहीं लगाऊंगा, ना मेरी बॉडी उस चीज़ की इजाज़त देगी और ना वो सेफ़ रहेगा। तो इसका फ़ायदा क्या है कि अगर आप इंजरी फ्री वर्कआउट्स करना चाहते हैं या आपको रिस्क लगता है इंजरी का, या आप चेंज करना चाहते हैं, वैरायटी लाना चाहते हैं अपने वर्कआउट्स में, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है ये टेक्निक। क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम कंपाउंड मूवमेंट से शुरू करते हैं और फिर हम आइसोलेशंस की तरफ जाते हैं। जैसे अगर मैं अपने इसी पर्टिकुलर वर्कआउट की बात करूं तो नॉर्मली मैं क्या करता कि मैं आता पहले सीटेड डंबल प्रेस लगाता या कोई और ओवरहेड प्रेस की वेरिएशन लगाता, बार पे, डंबल्स पे, किसी तरह की भी, और फिर मैं आता अपनी आइसोलेशंस की तरफ, साइड रेजेस लगा लिया, फेस पुल्स लगा लिया। लेकिन इस वर्कआउट में मैंने अपना ऑर्डर ऑफ एक्सरसाइजेस रिवर्स किया है। तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं होता कि पहले कंपाउंड ही या कोई बड़ी प्रेसिंग मूवमेंट्स ही लगानी है। आप आइसोलेशन से शुरू करें और एक तो वैरायटी के लिए भी अच्छा होता है काफ़ी, और एक वंस इन अ वाइल आपको अपने बाकी जो ये मसल्स हैं जो आपके आइसोलेशन वाले एक्सरसाइजेज हैं वो करके आप अपने टारगेटेड मसल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं बिफोर मूविंग ऑन टू द बिग मूवमेंट्स और द प्रेसिंग मूवमेंट्स। तो मैंने जो सीटेड डंबल प्रेस भी लगाया है वो इस बार बगैर उसके लगाया, टेक लगाए या बगैर बैक सपोर्ट के। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था मेरी कोर भी थोड़ी एक्टिवेट होए, ना मैं बहुत हैवी लगाऊं, एंड जस्ट टू मेक माय वर्कआउट लिटिल चैलेंजिंग। नॉर्मली मैं हैवी वेट लगाता हूँ सीटेड डंबल प्रेस पे जब बैक सपोर्ट होए, लेकिन इसमें मैंने वेट्स को हल्का रखा और कांस्टेंट टेंशन रखी है अपने शोल्डर्स पे। तो मेरे तीनों हेड्स जो थे शोल्डर्स के इस वर्कआउट में एक्टिवेट हुए हैं, और अगर ओवरऑल शोल्डर डेवलपमेंट चाहते हैं तो ये वर्कआउट बहुत ही कमाल था, क्योंकि इसमें रियर डेल्ट्स भी टारगेट हुए, साइड डेल्ट्स भी, या आपके लैटरल या मीडियल हेड कह लें वो भी टारगेट हुआ, और आपके फ्रंट डेल्ट्स भी टारगेट हो रहे हैं सीटेड डंबल प्रेस के थ्रू। फ्रंट डेल्ट्स तो वैसे ही थ्रू आउट द वीक इतना ज़्यादा यूज़ होता है, आपके बेंच प्रेस में या चेस्ट की कोई भी प्रेसिंग मूवमेंट्स होती हैं उसमें आपके फ्रंट डेल्ट्स यूज़ होते हैं। तो जो निगलेक्टेड मसल है व्हेन इट कम्स टू शोल्डर्स वो हमारे रियर डेल्ट्स ही हैं। और रियर डेल्ट्स के लिए आप जो डिफरेंट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं वो फेस पुल्स हैं, बेंट ओवर लैटरल रेजेज हैं, या पेक डेक पे रिवर्स फ्लाइज होते हैं, वो आपके रियर डेल्ट्स को अच्छी तरह से एक्टिवेट करते हैं और टारगेट करते हैं। तो किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हैं, बेशक प्रेसिंग मूवमेंट पहले लगा लें, फिर साइड रेजेस लगा लें, फिर अपने रियर डेल्ट्स को टारगेट कर लें, लेकिन अक्सर हम निगलेक्ट कर देते हैं अपने रियर डेल्ट्स को, स्पेशली व्हेन वी गो हैवी ऑन एक्सरसाइजेज लाइक ओवरहेड प्रेस। तो फिर हम क्या कहते हैं, हमें लगता है हमारे ओवरऑल जो शोल्डर्स हैं वो हिट हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं, तो ज़रूरत नहीं है। वाइल इट्स ट्रू कि ओवरहेड प्रेस से आपका पूरे ओवरऑल शोल्डर डेवलपमेंट हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअली भी अपने जो शोल्डर के हेड्स हैं या किसी भी और एक्सरसाइज, बाइसेप है, ट्राइसेप है, उसमें आपको इंडिविजुअली भी अपने मसल्स को टारगेट करना पड़ता। तो अगर ओवरहेड प्रेस से सारे मसल्स आपके टारगेट हो रहे हैं, देन वाई डू लैटरल रेजेस, राइट? तो इसी तरह जिस तरह आप लैटरल रेजेस लगाते हैं उसी तरह रियर डेल्ट की भी एक्सरसाइजेस लगानी होती हैं। तो शोल्डर्स के मेरे 8 सेट हुए कंप्लीट, बीच में चली गई थी लाइट,
आपके लिए दो सेट्स नहीं रिकॉर्ड कर पाए, तो उसके बाद मैंने ट्राइसेप्स लगाया। वेल दिस इज़ सॉर्ट ऑफ अ वेरिएशन ऑफ स्कल क्रशर्स, लेकिन स्कल क्रशर्स में आपने देखा होगा कि बिल्कुल अपने माथे पे लाते हैं बार को। इस एक्सरसाइज को बेहतर होगा कि बंदा कहे कि लाइंग ट्राइसेप एक्सटेंशंस, ठीक है, कुछ भी कह लें। मकसद ये है कि अपना जो लॉन्ग हेड है ट्राइसेप का, उसको अच्छी तरह से टारगेट करना। फोकस इस एक्सरसाइज में क्या था कि डीप स्ट्रेच पे फोकस करें और एक ग्रेटर रेंज ऑफ मोशन मिल जाता है, और बजाय कि वेट पूरा आप ऊपर लाएं अपने माथे के ऊपर या अपनी चेस्ट के ऊपर वापस, आपने अवे फ्रॉम द बॉडी ही टेंशन रखना है अपने बाहर का। उससे आपका लॉन्ग हेड अच्छी तरह से टारगेट होगा और आपके ट्राइसेप्स को एक बेहतर एक्टिवेशन मिलेगी। तो लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशंस के बाद मैंने अपने स्टैंडर्ड डंबल कर्ल्स किए। अगर आप मेरा कंटेंट देखते आ रहे हैं तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे, अपने इंस्टाग्राम और अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और पिछली जोन सभी आम सेशन था उसमें एक टिप शेयर की थी। उस टिप पे अमल करना है नहीं करना वो आप लोगों की मर्ज़ी। वो ये है कि हर हफ्ते या हर वर्कआउट सेशन में जब आप लगाते हैं आर्म्स, तो अपना एक स्टैंडर्ड कर्ल चूज़ कर लें। तो वो स्टैंडर्ड कर्ल आपने हर वर्कआउट सेशन में लगाना है। मेरे लिए वो स्टैंडर्ड कर्ल क्या है, वो डंबल कर्ल्स हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल बाइसेप है वो टारगेट होगा और आप एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज पे स्ट्रांग होते जाएंगे और उस पे आपकी टेक्निक, आपकी फॉर्म भी बेहतर होगी। तो मेरे लिए वो स्टेटेड या स्टैंडिंग डंबल कर्ल्स हैं, आपके लिए कोई भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड कर्ल्स में क्या आ जाते हैं, बारबेल कर्ल्स आ जाते हैं, डंबल कर्ल्स आ जाते हैं। बेहतर है कि प्रीचर कर्ल्स को ना लें क्योंकि वो शॉर्ट हेड को ज़्यादा टारगेट करेगा। हैमर कर्ल्स भी कर सकते हैं, हैमर कर्ल्स बल्कि और बेहतर है क्योंकि उसमें आपका जो ब्रेकियालस है वो भी हिट होता, तो वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे जो कॉमन और बेसिक ऑप्शंस हैं बाइसेप की डेवलपमेंट के लिए, वो बारबेल कर्ल्स और डंबल कर्ल्स हैं। तो मैं तकरीबन 10 kg से शुरू हुआ था और अब मैं 14 kg तक पहुँच गया हूँ, जिसमें मैं अपने टोटल तीनों सेट्स 14 kg पे करता हूँ। इसी चीज़ का नाम प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी है कि या आप वेट बढ़ाएं या आप सेम वेट पे ज़्यादा रेप्स लगाएं, सेट्स लगाएं, और या अपनी फॉर्म और अपनी टेक्निक को बेहतर करें, और या अपना टाइम अंडर टेंशन पे फोकस करें। तो ये 3-4 तरीके होते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड के। शुरू में अगर मैंने एक सेट लगाना शुरू किया था 14 kg के डंबल से 4 रेप्स, तो अब मैं 3 सेट्स लगा रहा हूँ, टोटल 20 से 22 रेप्स। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपना एक स्टैंडर्ड कर्ल चूज़ करें बाइसेप्स के लिए और उसको हर सेशन में प्रैक्टिस करें, और उसके साथ फिर आप कोई भी एक्सरसाइज लगा लें डिपेंडिंग ऑन योर वॉल्यूम, योर प्रेफरेंसेस, योर वर्कआउट प्लान वगैरह वगैरह। जैसे इस वर्कआउट सेशन में मैं आगे जाके इंक्लाइंड डंबल कर्ल्स लगाऊंगा। इंक्लाइंड डंबल कर्ल्स आपके लॉन्ग हेड को टारगेट करते हैं बाइसेप्स के। तो मेरा आर्म्स का जो मैंने ये वाला सेशन किया, ये थोड़ा डिफरेंट था इसलिए क्योंकि मैंने पहले पूरी ट्राइसेप नहीं लगाई या पूरी बाइसेप नहीं लगाई। पहले मैंने ट्राइसेप की एक एक्सरसाइज लगाई, उसके बाद मैंने बाइसेप की लगाई, और फिर उसके बाद मैंने अपनी ट्राइसेप की दूसरी एक्सरसाइज लगा के बाइसेप की आखिरी एक्सरसाइज लगाई। तो फॉर माई सेकेंड एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लिए मैंने डिप्स किए। अब चेस्ट डिप्स और ट्राइसेप डिप्स में फ़र्क क्या होता है, जब चेस्ट डिप्स करते हैं तो आपका जो स्टांस होता है या आपका जो ग्रिप होती है वो थोड़ी वाइड होती है और आप अपने एल्बोज़ को थोड़ा फ्लेयर आउट करते हैं, और जब ट्राइसेप डिप्स की बात आती है तो ट्राइसेप डिप्स में आप अपने आर्म्स या एल्बोज़ क्लोज टू द बॉडी रखते हैं और आपकी जो टॉप पोजिशन होती है उस पर स्क्वीज़ करते हैं। वेयर एज़ चेस्ट डिप्स में इट्स ऑल अबाउट द डीप स्ट्रेच ऑन द बॉटम पोजिशन। तो जो बॉटम पोजीशन होती है चेस्ट में, हम उस पर स्ट्रेच पे फोकस करते हैं, और ट्राइसेप्स के लिए हम डिप्स में ऊपर स्क्वीज पे फोकस करते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मेरे ख्याल से। मेरी अगर टेक्निक इस पर बहुत अच्छी ना हो वो अलग बात है, लेकिन ट्राइसेप डिप्स एक बहुत अच्छी, क्योंकि आप पूरा बॉडी वेट अपना पुश करें
और आपने देखा होगा जो कैलिस्थेनिक्स वाले हैं या ओलंपिक्स में जो होते हैं जो रिंग्स वगैरह पे एक्सरसाइज करते हैं उनके ट्राइसेप डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी होती है। तो 3 सेट लगाए लाइन ट्राइसेप एक्सटेंशंस के, 3 लगाए डिप्स के, उसी तरह 3 डंबल कर्ल्स के और 3 इंक्लाइन डंबल कर्ल्स के हमने सेट्स लगाए। स्लाइट इंक्लाइन रखें, वेट ज़्यादा भारी नहीं रखना, शोल्डर्स को पीछे रखें और स्क्वीज़ पे फोकस करें और स्ट्रेच पे, ताकि आपका लॉन्ग हेड को अच्छी तरह से टारगेट करे। जो आपकी वेन निकलती है वो इस एक्सरसाइज से, जो इंक्लाइन डंबल कर्ल्स हैं, इससे बहुत अच्छे तरीके से निकलती हैं। बाइसेप की 2 एक्सरसाइजेज हैं जिस पे बहुत से लोग कहते हैं इंजरी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कहता चलूँ कि वैसे तो हर एक्सरसाइज पे इंजरी का चांस है अगर सही तरीके से नहीं कर रहे तो, और हर एक्सरसाइज सेफ है एज लॉन्ग एज यू फाइंड द बेस्ट एंगल फॉर योर सेल्फ एंड कीप द वेट्स लाइट। मतलब वो हद से जब तजावज़ कर जाता है बंदा फिर इंजरीज निकलती हैं। तो इसमें क्या होता है, अभी अभी लोग कहते हैं कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो बहुत पीछे हैं और रिस्की पोजीशन है। ऐसा कुछ नहीं होता, वेट को हल्का रखें, अपनी चेस्ट अप रखें और अपने आर्म्स को स्विंग नहीं करना, अपने अपर आर्म्स को स्टेशनरी रखें और सिर्फ अपने फोर आर्म्स जो हैं या अपनी एल्बोज़ हैं इससे मूवमेंट करें। तो एक्सरसाइज से यार डरना नहीं चाहिए, एक्सरसाइजेस को बेहतरीन तरीके से करने के लिए आपको मेहनत करनी चाहिए या सीखना चाहिए। ट्रेनर्स हर जगह अवेलेबल हैं, जिम्स में भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, जो वर्क अराउंड्स बता देते हैं। हाँ, कोई बहुत ही रिस्की एक्सरसाइजेज है और आपकी कोई इंजरी निकली हुई है तो उस सिचुएशन में ज़ाहिर है कुछ एक्सरसाइजेज अवॉइड करना बेहतर होता है, लेकिन उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल के यू कांट वर्क अराउंड एंड यू कांट वर्क अराउंड ए डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज। तो एंड देर इज़ नो सच थिंग एज ए डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज विच विल गेट यू इंजर्ड। हमेशा यही होता है कि या कोई गलत वेट लग जाता है या कोई गलत एंगल लग जाता है फिर बंदा इंजर होता है। तो वो कहते हैं ना मॉडरेशन इज़ की, तो वेट्स में भी मॉडरेशन की होती है, ज़रूरी होती है। और बंदे को जिस तरह कहते हैं अपनी चादर देख के पांव फैलाने चाहिए, तो उस तरह अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बंदे को वेट उठाना चाहिए और उस हिसाब से एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। फॉर मी पर्सनली इंक्लाइन डंबल कर्ल्स बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज थी इनिशियली। क्यों? क्योंकि जो बाइसेप्स की एक्टिवेशन मैंने इंक्लाइन डंबल कर्ल्स में महसूस की थी ना, उन वक्तों पे किसी और एक्सरसाइज में मुझे बाइसेप्स की उस तरह की एक्टिवेशन या एंगेजमेंट नहीं फील होती थी। और यही बात होती है, कभी कभी आपको अपनी जो किसी मसल के लिए मूवमेंट्स देखनी पड़ती हैं कि किस मूवमेंट में आपको आपका वो मसल अच्छी तरह से एंगेज्ड होता फील हो रहा है। और जब हम बाइसेप्स की बात कर लें तो अगर बाइसेप्स को ग्रो करना है तो लोग क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड के नाम पे वेट बढ़ाई जाते हैं या किसी भी एक्सरसाइजेज पे वेट बढ़ाई जाते हैं। तो ये एक सीधी और अच्छी अप्रोच नहीं होती। पहले आप देखें कि आपके बाइसेप्स एक्टिवेट भी हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए बिल्कुल हल्के वेट पे जाना पड़ता है। या इवन अगर वेट ना जाए, आप अपनी किसी भी बॉडी पार्ट को फ्लेक्स करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार आपका कौन सा मसल बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कौन सा नहीं है। एंड देन यू वर्क योर वे अप फ्रॉम देयर, ठीक है, रेप बाय रेप एंड वेट बाय वेट, पाउंड बाय पाउंड, आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते चले जाते हैं। पहले एक्टिवेट करें, इंगेज करें अपने मसल्स को, फिर वेट बढ़ाना शुरू करें। टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय वर्कआउट मैंने थोड़ी पोजिंग की है, तो पोजिंग की इम्पोर्टेंस मैं बार बार बताता रहता हूँ कि चाहे आप की मसल डेवलपमेंट अभी हुई है नहीं हुई, जिस तरह भी है, जो मर्ज़ी भी है, पोजिंग आती है नहीं आती, आप पोजिंग किया करें और सीखें। पोजिंग बहुत अच्छा होता है एंड इट अगर आप जिम जा रहे हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। तो एक्ट लाइक यू आर द बिगेस्ट गाय इन द जिम और दिल खोल के पोज करें। ये था मेरा आज का वर्कआउट सेशन।
उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लेट्स गेट बेटर टुगेदर।